दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का जंगल है। यहाँ पर बहुत ही डेंजरस किस्म के जानवर पाए जाते हैं। अगर एक अकेला वहाँ पर शख्स फंस जाता है तो उसे लगेगा कि वो दूसरी दुनिया में पहुँच गया है। अमेज़न का नाम सुनते आपके जहन में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांप की बहुत ज्यादा किस्में पाई जाती है, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और अलग अलग सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी मुल्कों के एनाकोंडा से बड़े होते हैं और साथ साथ यहाँ पर कई और अनोखे जानवर पाए जाते हैं जो कि आपको सिर्फ अमेज़न में देखने के लिए मिलेंगे। और अमेज़न के जंगल में कई जानवरों पर रिसर्च भी की गई है, लेकिन हम अमेज़न के जंगल के आधे हिस्से को ही देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर आज तक इंसान नहीं पहुँच पाया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घना और डेंजरस है और इसके अंदर टेक्नोलॉजी सामानों को ले जाना नामुमकिन है। अमेज़न के जंगल में कई आदिवासियों के स्क्वाड हैं और अमेज़न के जंगल में कई ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और उन सब के लिए हम एलियन से कम नहीं होंगे। वो हमें देखते ही हम पर हमला कर देंगे और हमें मार डालेंगे। अमेज़न के जंगल में कई सारी लकड़ियों को काट कर फरोख्त किया जाता है। यहाँ पर बहुत डेंजरस किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगल में कुछ ऐसे दरख्त हैं जो हमारी जान ले सकते हैं। अमेज़न 9 मुल्कों से होकर गुजरता है। इस जंगल का 60% ब्राजील और 13% पेरू और 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुएला, बोलिविया और सूरीनाम से होकर गुजरता है। हमारे अटवर्थ जितने भी जानवर हैं उन सबको आप एक साथ अमेज़न के जंगल में देख पाओगे। यहाँ पर 390 बिलियन ट्री हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी इकसाम हैं। अमेज़न के कीड़ों मकोड़ों की काफी चर्चा होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर कई हजार किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं। उनमें से 10% कीड़े मकोड़ों के बारे में साइंटिस्ट को पता चला है। यहाँ पर बुलेट चींटियाँ भी बहुत खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी लगते हैं, लेकिन इन चींटियों के डंग को जहर की तरह माना जाता है। कहा जाता है इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ के मकड़ियों के चर्चे होते हैं। यहाँ पर 3,000 से ज्यादा मकड़ियों की इकसाम पाई जाती है, जिनमें ज्यादातर बहुत जहरीली होती है। अमेज़न के जंगल में ट्रेंटोला मकड़ी को सबसे ज्यादा जहरीला माना जाता है। इसके बाल इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ जाएं तो आपकी आंखों का चूर चूर कर देंगे। अब इतने कमाल के जानवर सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही होते हैं, लेकिन अब मैं बताता हूँ अमेज़न किस तरीके से बना है। सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेज़न जंगल किस तरीके से बना है, इसने आधी दुनिया को तबाह कर दिया है। दरअसल साइंटिस्ट का कहना है कि डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड एक न्यू ट्रॉपिकल जंगल बनने का जिम्मेदार है। अमेज़न जंगल एक एस्टेरॉयड जमीन से टकराने की वजह से बना था, जो तकरीबन 100 साल पहले जमीन से टकराया था। इस एस्टेरॉयड ने पूरी धरती का रुख बदल दिया। इस एस्टेरॉयड की वजह से हमारी धरती पर जानवरों का राज खत्म हो गया था। इस एस्टेरॉयड से 75% जानवरों की इकसाम खत्म हो गई थी। इसमें बहुत सारे डायनासोर और बहुत ही डेंजरस किस्म के जानवर थे, वो सारे खत्म हो गए। असल में हमारी धरती पर एक अचानक से एस्टेरॉयड आ टकराया। इस एस्टेरॉयड के लगते ही हमारी जमीन पर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया। इसने अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर को राख कर दिया। इस एस्टेरॉयड की टक्कर से समंदर में बहुत बड़ी लहर उठी और उसने आधी दुनिया को तबाह कर दिया। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख, इसकी वजह से हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा गैस फैल गया था। इससे हमारी धरती का तापमान कई हिस्से डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। अचानक इस एस्टेरॉयड की वजह से पूरी दुनिया पर जानवर और पौधे खत्म हो गए। कुछ महीनों के बाद धरती पर आहिस्ता आहिस्ता गैस खत्म होता गया और सूरज की किरणें धरती पर पहुंचने लग गई, और इस एस्टेरॉयड की वजह से अमेज़न जंगल भी नष्ट हो गया। क्योंकि अमेज़न जंगल पहले इतना घना नहीं था, उसे बहुत जानवर वगैरह खाते थे, और फिर इस एस्टेरॉयड की वजह से सारे के सारे जानवर मर गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेज़न के जंगल में पौधे उगने लगे, फिर वो इतने बड़े और गहरे हो गए जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अमेज़न के जंगल में अब इतने प्यारे प्यारे दरख्त हैं जो आपको दुनिया के किसी कोने में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अमेज़न के कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश के पानी को नीचे गिरने में 5 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे जानवर और ऐसे ऐसे परिंदे देखने को मिलेंगे जो आप पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं देख पाओगे। और आज का हमारा अमेज़न का प्रोजेक्ट यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज।